बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज़ 61 नंबर पॉइंट ऑफ एसके पैथोलॉजी एफसीपीएस पार्ट वन, जो हम फर्स्ट 200 पॉइंट्स कर रहे थे एसके पैथोलॉजी एफसीपीएस पार्ट वन के। तो 61 पॉइंट्स अब हमने स्टार्ट करना है। अब 61 पॉइंट में सबसे पहले बात ये जो बताई गई कि जो लाइन ऑफ ज़ेन होती है ना, वो आपकी लैमिनेटेड लाइन्स होती हैं जिसमें ऑल्टरनेटिंग पेल लेयर्स होती हैं प्लेटलेट्स की, जो कि मिक्सड होती हैं आपके फाइब्रिन या डार्कर लेयर ऑफ डार्क लेयर्स के साथ, जिसमें हमारे पास रेड ब्लड सेल्स आते हैं। उसके बाद जो फेट होती है ना थ्रोम्बस की, पहले वो प्रोपेगेट करता है, एम्बुलाइज करता है, डिसॉल्व कर जाता है, फिर ऑर्गेनाइज करता है, फिर रीकैनलाइज करेगा। ठीक है, अब जो लाइन ऑफ ज़ेन्स होती हैं वो आपकी लैमिनेटेड लाइन्स होती हैं, जो कि ऑल्टरनेटिंग पेल लेयर्स होती हैं प्लेटलेट्स की, और उसके साथ कुछ फाइब्रिन और कुछ आरबीसीज जो हैं वो डार्क लेयर्स दरमियान रेड मिक्स होकर लाइन्स बनाते हैं। जो थ्रोम्बस की फेट होती है, इसमें पहले वो प्रोपेगेट करता है, आगे बढ़ता है, फिर वहाँ पे एम्बुलाइज कर जगह अपनी जगह से टूट जाता है, फिर डिसॉल्व हो जाता है, फिर किसी और जगह पे जाकर ऑर्गेनाइज करता है, और फिर रीकैनलाइज कर जाता है, दोबारा से किसी एक कैनल के अंदर रीकैनलाइज कर जाएगा। एम्बुलस जो होता है वो आपका डिटैच इंट्रावास्कुलर सॉलिड लिक्विड या गैशियस मैस हो सकता है, जो कि ब्लड के थ्रू एक साइड से दूसरी साइड के ऊपर जाते हैं, अपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से किसी दूसरी साइड के ऊपर चला जाता है। इसे हम इस प्रोसेस को हम एम्बुलिज्म कहते हैं, और जो आपका बेसिकली इंट्रावास्कुलर सॉलिड लिक्विड या गैशियस जो भी मटेरियल होगा उसको हम एम्बुलस कहेंगे। इनफैक्ट आपका ऐसा एरिया होता है इस्कीमिक नेक्रोसिस का, जिसमें आपकी या तो ऑक्लूजन होती है आपकी आर्टेरियल सप्लाई की, या फिर वीनस ड्रेनेज की ऑक्लूजन हो जाती है किसी भी एक पार्टिकुलर टिश्यू के अंदर। इस्कीमिक नेक्रोसिस होती है ऑक्लूजन की वजह से आर्टेरियल सप्लाई की, या फिर आपकी वीनस ड्रेनेज के ऑक्लूजन की वजह से किसी भी पार्टिकुलर टिश्यू में। जो मोस्ट डोमिनेंट हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है इन्फेक्शन की, उसमें इस्कीमिक कॉग्लेटिव नेक्रोसिस मिलती है। मोस्ट कॉमन जो आपकी डोमिनेंट हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है इन्फेक्शन की, हमें इस्कीमिक कॉग्लेटिव नेक्रोसिस मिलती है। शॉक आपकी एक सिस्टेमिक हाइपोपरफ्यूजन होती है, जिसमें आपका कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है, और आपकी जो आपका सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम होता है वो भी इफेक्ट होता है, वो भी आपका कम हो जाएगा, और आपकी उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। साथ ही इसमें आपके जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी परफ्यूजन और उनका सेलुलर हाइपोक्सिया हो जाता है, परफ्यूजन कम हो जाती है और सेलुलर हाइपोक्सिया हो जाता है। मेजर टाइप्स के शॉक्स में कार्डियोजेनिक शॉक आता है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक आता है, सेप्टिक शॉक आता है, न्यूरोजेनिक शॉक आता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक आता है। ठीक है, मेजर टाइप्स के इसमें आपका कार्डियोजेनिक आता है, हाइपोवॉल्यूमिक आता है, कार्डियोजेनिक आता है, हाइपोवॉल्यूमिक आता है, सेप्टिक आता है, न्यूरोजेनिक आता है, एनाफाइलेक्टिक आता है। म्यूटेशन जो होती है, इसमें आपके डीएनए के अंदर परमानेंट चेंज आता है। जब आपके डीएनए के अंदर परमानेंट चेंज आएगा तो उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। मार्फन सिंड्रोम आपका कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर होता है बॉडी के, जिसमें आपके स्केलेटन, आईज और सेंट्रल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर चेंजेस आते हैं। ये ज़्यादातर आपके एक्स्ट्रा सेलुलर ग्लाइकोप्रोटीन फिब्रिलिन 1 को अफेक्ट करता है। मार्फन सिंड्रोम कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है बॉडी का, जिसमें आपके स्केलेटन सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और आपकी आईज में डिफेक्ट आता है। इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर ग्लाइकोप्रोटीन फिब्रिलिन 1 का डिफेक्ट होता है। एलर-डेल्लो सिंड्रोम आपका क्लिनिकली और जेनेटिकली हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें आपके कुछ डिफेक्ट आपके सिंथेसिस के अंदर और कुछ आपके स्ट्रक्चरल, जो आपकी स्ट्रक्चर होता है फिब्रिलर कॉलेजन का, उसमें डिफेक्ट आ जाता है। फिब्रिलर कॉलेजन के स्ट्रक्चर में या फिर सिंथेसिस में डिफेक्ट आ जाता है एलर-डेल्लो सिंड्रोम में, और इसमें हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं। एमेलॉइड कोई भी पैथोलॉजिकल प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होता है, जो सेल्स के दरमियान में टिश्यूज में डिपॉजिट हो जाता है, ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाता है बहुत सारी क्लिनिकल सेटिंग्स में। कोई भी पैथोलॉजिकल प्रोटीनेशियस सब्सटेंस जो सेल के दरमियान में टिश्यूज में या ऑर्गन्स में डिपॉजिट हो जाता है उसे हम एमेलॉइड कहते हैं, और बहुत सारी क्लिनिकल सेटिंग्स में हमें मिलता है। न्यूप्लाज्म आपका एबनॉर्मल मैस होता है, जिसकी ग्रोथ बढ़ जाती है और एक अनकोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर होती है। जो नॉर्मल टिश्यू होता है वो कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर होती है, अनकोऑर्डिनेटेड होता है नॉर्मल टिश्यू से, और ये परसिस्ट करता है सेम एक्सेसिव मैनर के अंदर। इवन जब आपका स्टिमुलाय ख़त्म भी हो जाएगा तो भी ये वैसे ही परसिस्ट करता रहता है, इसकी एक्सेसिव ग्रोथ होती रहती है और उसकी वजह से इसमें चेंज आ जाता है इसके सेल टाइप्स में। ट्यूमर्स के दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, एक पैरेन्काइमा होती है और एक स्ट्रोमा होता है। जो ट्यूमर होता है इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक बेनाइन टाइप होती है, एक मैलिग्नेंट टाइप होती है। जो बेनाइन होते हैं वो वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, आहिस्ता इस तरह ग्रो करते हैं और ये आपके इन्वेड भी नहीं करते हैं, मेटास्टेसाइज भी नहीं करते हैं। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं वो आपके वेल टू अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, इतनी ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होती है, तेज़ी से ग्रो करते हैं, इन्वेजन भी करते हैं, मेटास्टेसाइज भी करते हैं। सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो डिफरेंशिएट करता है बेनाइन को मैलिग्नेंट से, वो मेटास्टेसिस होती है। कार्सिनोमा ज़्यादातर लिम्फैटिक रूट से स्प्रेड करते हैं और सार्कोमा ज़्यादातर आपके ब्लड के थ्रू स्प्रेड करते हैं, हिमाटोजीनस रूट से स्प्रेड करते हैं।
चार टाइप्स के जीन्स नॉर्मली काम करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक प्रोटो ऑन्को जीन्स, एक एंटी ऑन्को जीन्स, एक एपोप्टोटिक जीन्स, उसके डीएनए रिपेयर जीन्स। प्रोटो ऑन्को जीन्स के अंदर चेंज हो जाते हैं तीन प्रोसेसेस के थ्रू, जिसमें आती है म्यूटेशन, ट्रांसलोकेशन, एम्पलीफिकेशन। म्यूटेशन के थ्रू, ट्रांसलोकेशन के थ्रू, एम्पलीफिकेशन के थ्रू प्रोटो ऑन्को जीन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जो मेजर ऑन्को जीन्स होते हैं उसमें आपके रास आता है, ERBB1 आता है, रेड चिन किट, ABL, CMYC, NMYC, ये सारे ऑन्को जीन्स हैं। रास, ERBB1, रेड किट, ABL, CMYC, NMYC। मेजर एंटी ऑन्को जीन्स आपके RB जीन आता है, TP53 आता है, W1 आता है, NF1 आता है, BRCA1 आता है, APC। एंटी ऑन्को जीन्स में RB जीन्स, TP53, W1, NF1, BRCA1, APC, TRP, TP53, W1, NF1, BRCA1, APC। ऑन्कोजेनिक वायरसेस में आपका HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस आता है, हेपेटाइटिस बी वायरस आता है, एप्सटेन बार वायरस आता है, कपोसी सार्कोमा हर्पीस वायरस आता है, ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस आता है, जो कि ओनली ऑन्कोजेनिक RNA वायरस है जो ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस होता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास केमिकल कार्सिनोजेंस। केमिकल कार्सिनोजेंस एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, जिसमें आपकी पहले इनिशिएशन होती है, फिर उसके बाद प्रोमोटर फेजेज आते हैं, प्रोमोशन फेजेज आते हैं। केमिकल कार्सिनोजेनेसिस में पहले इनिशिएशन होती है, फिर प्रोमोशन फेजेज आते हैं। मेजर केमिकल कार्सिनोजेंस में एस्पेस्टॉस होता है जो मीजोथीलियोमा कराता है, एनिलीन्स डाय होते हैं जो ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा कराते हैं, और नाइट्रेट्स होते हैं जो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा कराते हैं, एफ्लाटॉक्सिन हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, विनाइल क्लोराइड एंजियोसार्कोमा ऑफ द लिवर कराता है। विनाइल क्लोराइड एंजियोसार्कोमा ऑफ द लिवर कराएगा, एस्पेस्टॉस मीजोथीलियोमा कराता है, एनिलीन डाय आपके ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा, और नाइट्रेट्स आपके गैस्ट्रिक कार्सिनोमा कराते हैं, और एफ्लाटॉक्सिन आपके हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। रेडिएशन इंड्यूस मेलिग्नेंसीज ल्यूकीमिया भी कराती हैं, और पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायरॉइड भी कराते हैं। रेडिएशन की वजह से आपको ल्यूकीमियाज ब्लड कैंसर भी होते हैं, और साथ पेपिलरी कार्सिनोमा, पेपिलरी थायरॉइड कार्सिनोमा भी होता है। पेपिलरी थायरॉइड कार्सिनोमा भी होता है। उसके बाद आती है हमारे पास मेजर पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स में आपका कशिंग सिंड्रोम आता है, जो कि ADH सिक्रीशन होती है आपके स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग से, हाइपर कैल्सीमिया, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के ऑफ द लंग के अंदर, ठीक है। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग के अंदर आपके कैल्शियम के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं ब्लड में, और ADH की सिक्रीशन होती है स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग से, कशिंग सिंड्रोम डिवेलप हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज के लेवल कम हो जाते हैं फाइब्रोसार्कोमा से और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा से। जब आपको लिवर कैंसर होता है या फाइब्रोकार्सिनोमा होता है, तो उससे आपके ग्लूकोज के लेवल कम हो जाते हैं। पोलिसाइथीमिया, सेल्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है रीनल सेल कार्सिनोमा में। हाइपरट्रॉफिया, ऑस्ट्रोआर्थ्रोपैथी हो जाती है कार्सिनोमा ऑफ द लंग के अंदर। लंग के कैंसर के अंदर आपके जॉइंट्स में भी आपकी हाइपरट्रॉफिया, ऑस्ट्रोआर्थ्रोपैथी हो जाती है। मेजर ट्यूमर मार्कर्स में HCG होता है कोरियोकार्सिनोमा के लिए, कैल्सिटोनिन मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायरॉइड के लिए, अल्फा फीटोप्रोटीन हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के लिए, नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर्स ऑफ द टेस्टिस के लिए, ठीक है। और CEA जो कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन होता है वो कार्सिनोमा ऑफ द कॉलन के लिए, पैप आपका होता है हमारे पास CA प्रोस्टेट के लिए, CA125 होता है ओवेरियन कैंसर के लिए, और CA99 होता है कॉलन के कैंसर के लिए और पैंक्रियाज के कैंसर के लिए, और CA153 होता है ब्रेस्ट के कैंसर के लिए। 125 ओवेरियन कैंसर के लिए, 99 आपके पैंक्रियाज और CA कॉलन के लिए, और CA153 जो है वो CA ब्रेस्ट के लिए। उसके बाद आते हैं हमारे पास मेजर इम्यूनो मार्कर्स। मेजर इम्यूनो मार्कर्स ऑफ द एपिथेलियल ट्यूमर्स आर साइटोकैरेटिन। जो इम्यूनो मार्कर्स होते हैं मेजर एपिथेलियल ट्यूमर्स के, वो साइटोकैरेटिन होता है, और मीजेनकाइमल ट्यूमर के लिए वायमेंटन होता है मीजेनकाइमल ट्यूमर्स के लिए। मेजर ट्यूमर मार्कर्स के अंदर जो आपका वायमेंटन होता है वो होता है मीजेनकाइमल ट्यूमर्स के लिए, और जो आपका एपिथेलियल ट्यूमर्स के लिए साइटोकैरेटिन होता है। साइटोकैरेटिन होता है एपिथेलियल ट्यूमर्स के लिए, और मीजेनकाइमल ट्यूमर्स के लिए वायमेंटन होता है।
ठीक है, ल्यूकोसाइट ओरिजिन एंटीजन के लिए ल्यूकोसाइट कॉमन एंटीजन होता है, S100 आपके न्यूरल ओरिजिन ट्यूमर्स के बारे में बताता है, और स्केलेटल मसल ट्यूमर्स के लिए डेस्मिन होते हैं। इम्यूनो मार्कर्स यहाँ पे बताए हुए हैं, स्केलेटल मसल ट्यूमर्स में डेस्मिन, S100 न्यूरल ओरिजिन ट्यूमर्स में, ल्यूकोसाइट कॉमन एंटीजन ल्यूकोसाइट ओरिजिन ट्यूमर्स के अंदर, साइटोकैरेटिन एपिथेलियल ट्यूमर्स के लिए, मेसेनकाइमल ट्यूमर्स के लिए वाइमेंटिन। Type 1 हाइपर सेंसिटिविटी आपकी एनाफाइलेक्टिक होती है, इसे इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। इसमें एंटीजन IgE के साथ बाइंड कर जाता है जो कि सरफेस ऑफ मास सेल्स के ऊपर एक्सप्रेस होती है, और बेसोफिल्स की सरफेस के ऊपर IgE के साथ एंटीजन बाइंड कर जाता है, इसे इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी या फिर Type 1 हाइपर सेंसिटिविटी या फिर इसे एनाफाइलेक्टिक भी हम कहते हैं। और इसमें जो ग्रैन्यूल्स होते हैं आपके एक्टिव सब्सटेंस के, वो सराउंडिंग टिश्यू में फॉरन से रिलीज हो जाते, डीग्रैनुलेट करते हैं मास सेल्स और बेसोफिल्स, और साथ ही फॉरन से ग्रैन्यूल्स रिलीज हो जाते हैं आपके सराउंडिंग टिश्यू में। जो Type 2 होती है वो साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी होती है, इसमें एंटीबॉडीज अटैच कर जाती हैं आपके एंटीजन के साथ सर्फेस ऑफ सेल के ऊपर, और उसके बाद कुछ इंजरीज होती हैं और डिस्ट्रॉय कर देती हैं सेल को। जो Type 3 होती है इसे हम इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। जो Type 2 थी वो साइटोटॉक्सिक थी, जो Type 1 थी आपकी एनाफिलेक्टिक थी, जो Type 3 है वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं। इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से कहते हैं, इसमें सॉल्यूबल एंटीजन होते हैं वो प्रिसिपिटेट कर जाते हैं एंटीबॉडीज के साथ, और ये एक्सपोजर के 2 से 4 घंटे के बाद होती है Type 3 जो होती है। इसमें इस तरह की टिश्यू इंजरी होती है जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्सेस या इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं। जो Type 4 होती है इसे हम डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं, क्योंकि ये CD4 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट्स के थ्रू होती है, और इसमें जो Class 2 HLA होती है मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ आपके CD4 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट की एसोसिएशन होती है, और साथ लिम्फोकाइंस की एसोसिएशन होती है। उसके बाद आते हैं इम्यून रिएक्शंस। अब जो इम्यून रिएक्शंस होते हैं वो डिवाइड होते हैं 2 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर, एक होती है ह्यूमरल बी सेल लिम्फोसाइट मीडिएटेड, और एक होते हैं सेलुलर इम्यूनिटी टी सेल लिम्फोसाइट मीडिएटेड। जो ह्यूमरल इम्यूनिटी बी सेल लिम्फोसाइट मीडिएटेड होती है इसमें एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन होती है, और इसमें ऑफन जो रिस्पॉन्स होता है ना वो सोल्यूबल एंटीजन को शो करता है। जो सेलुलर इम्यूनिटी होती है जो कि टी सेल लिम्फोसाइट मीडिएटेड होती है, इसमें CD4 पॉजिटिव हेल्पर लिम्फोसाइट होते हैं जो कि बी सेल को हेल्प करते हैं एंटीबॉडी बनाने में भी, और साथ ही साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को भी जनरेट करते हैं। उसके बाद आती है मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस इज प्रेजेंट ऑल न्यूक्लियेटेड सेल्स। जो मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी होते हैं वो सारे न्यूक्लियेटेड, मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो MHC कॉम्प्लेक्स होता है वो तमाम न्यूक्लियेटेड सेल्स के ऊपर होता है। जो HLA सिस्टम है वो की फैक्टर होता है मोस्ट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन रिएक्शंस के अंदर, और रिएक्शन जो होते हैं वो या तो टी लिम्फोसाइट्स या फिर एंटीबॉडी की वजह से होता है। जो HLA सिस्टम होता है, जो मेजर जो आपका HLA सिस्टम होता है वो आपका की फैक्टर होता है जब आप ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन रिएक्शन होते हैं, और रिएक्शन जो होता है वो किसी ना किसी टी लिम्फोसाइट या एंटीबॉडी की वजह से होता है। टॉल लाइक रिसेप्टर्स आपकी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं जो कि बहुत सारे माइक्रोब्स को रिकग्नाइज कर लेती हैं, माइक्रोब डिराइव मॉलिक्यूल्स को रिकग्नाइज कर लेती हैं, और ये स्टिमुलेट करती हैं इननेट इम्यून रिस्पॉन्स को अगेंस्ट माइक्रोब्स। उसके बाद दिया हुआ है कि जो आपका CD4 पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाई अफिनिटी होती है इनकी HIV के लिए। CD4 पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स की हाई अफिनिटी होती है HIV के लिए, हाई अफिनिटी रिसेप्टर होते हैं फॉर HIV जो CD4 मॉलिक्यूल्स होते हैं। मेजर ऑटोइम्यून डिजीजेस के अंदर आपकी हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड योग्रेन सिंड्रोम एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ऑटोइम्यून डिजीज में हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, योग्रेन सिंड्रोम एंड एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। जो गैमा इंटरफेरोन्स होती हैं ये वन ऑफ द साइटोकाइंस होती हैं जो कि मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करती हैं। गैमा इंटरफेरोन्स मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करती हैं और इनका रोल होता है ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन में। जो आपकी गैमा इंटरफेरोन्स होती हैं वो एक्टिवेट करती हैं मैक्रोफेजेस को और ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन कराती हैं। साइटोकाइंस आपके मीडिएटर्स होते हैं जो कि एक सेल से रिलीज होते हैं और अपने एक्शन दूसरे सेल के ऊपर करते हैं। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में हमें शीट्स मिलती हैं, ग्रुप्स मिलते हैं, क्लस्टर्स मिलते हैं प्लियोमॉर्फिक मेलेग्नेंट एपिथेलियल सेल्स की, जिनकी न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म रेशियो ज़्यादा होती है, हाइपर क्रोमेटिक न्यूक्लिया होते हैं, साइटोप्लाज्म इनका पेल हो जाता है, कैरेटिन एपिथेलियल पल्स हमें मिलते हैं, और इंटर सेलुलर ब्रिजेस हमें मिलते हैं, और इंडिविजुअल सेल कैरेटिनाइजेशन भी नजर आती है। कैरेटिन पल्स हमें मिलेंगे, कैरेटिन एपिथेलियल पल्स मिलते हैं, इंटर सेलुलर ब्रिजेस मिलते हैं, इंडिविजुअल सेल कैरेटिनाइजेशन भी नजर आती है। एडिनोकार्सिनोमा में हमें बैक टू बैक क्लोजली प्लैक ग्लैंड मिलते हैं जिनमें प्लियोमॉर्फिक मेलेग्नेंट एपिथेलियल सेल्स होंगे, इनका भाई हाई न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म रेशियो की हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लिया होता है, लेकिन इनका साइटोप्लाज्म ईओसिनोफिलिक होता है, वॉल शेयरिंग भी हमें नजर आती है एडिनोकार्सिनोमा में।
उसके बाद आते हैं टू टाइप्स की वैक्सीन होती हैं, एक लाइव वैक्सीन होती हैं, किल्ड वैक्सीन होती हैं। जो लाइव वैक्सीन होती हैं इसमें मीजल्स, मम्स, रुबेला, वेरिसेला, पोलियो, और किल्ड वैक्सीन में आपकी रेबीज की आती है, हेपेटाइटिस ए की आती है और पोलियो की आती है। प्रोटो ऑन्कोजीन्स आपके कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन्कोजीन्स के अंदर। जो P53 है वो DNA की रिपेयर करता है और एपोप्टोसिस को प्रमोट करता है। जो RP जीन होता है वो एक्टिवेट होता है और काम करता है हाइपोफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म के अंदर। जब इसके ऊपर फॉस्फेट अटैच नहीं होगा तो फिर ये काम करता है हाइपोफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म के अंदर काम करता है। जो रास आपका प्रोटो ऑन्कोजीन होता है वो आपका GTP बाउंड प्रोटो ऑन्कोजीन प्रोटीन इस GTP बाउंड होती है और ये वर्क करता है विद गैप के साथ इन कोऑर्डिनेशन विद GTPase। GTPase के साथ आपका रास जीन काम करता है। ग्लायोमास और बेसल सेल कार्सिनोमास आपके बहुत ज़्यादा मेलिग्नेंट होते हैं, हाईली मेलिग्नेंट होते हैं, लेकिन ये मेटास्टेसाइज नहीं करते जो ग्लायोमास और बेसल सेल कार्सिनोमा होते हैं। एसिड फास्ट बेसिलस आपका मायकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए हम कराते हैं क्योंकि ये रिजिस्ट करता है, इसकी डीकलराइजेशन नहीं होती है कंसेंट्रेटेड एसिड्स में। एसिड फास्ट बेसिलस इसलिए होता है कि ऐसा बेसिलस होता है जिसकी एसिड से डीकलराइजेशन नहीं होती है, कंसेंट्रेटेड एसिड से डीकलराइजेशन नहीं होती है। ट्रिगर्ड लिपिड इफेक्ट हमें नज़र आता है हार्ट में, ट्रिगर्ड लिपिड इफेक्ट हमें मिलता है हार्ट के अंदर। मेजर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के अंदर ऑप्शनाइजेशन कराती है C3b, कीमोटैक्सिस C3a, और एनाफाइलोटॉक्सिन्स होते हैं C3a, C4a, C5a, सॉरी कीमोटैक्सिस C5a कराती है, C5a कीमोटैक्सिस भी कराती है, C5a एनाफाइलोटॉक्सिन भी होती है। ठीक है, एनाफाइलोटॉक्सिन के अंदर C3a, 4a, 5a, कीमोटैक्सिस C5a, और जो आपकी ऑप्शनाइजेशन कराती है वो C3b ऑप्शनाइजेशन कराती है। मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन और किलिंग जो कॉम्प्लेक्स होता है, मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन और किलिंग कॉम्प्लेक्स में आपका आता है C5b 6789। ठीक है, C5b 6789 आपके मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो मेम्ब्रेन की ब्रेकडाउन भी कराते हैं और मेम्ब्रेन को किल भी करते हैं। और एनहांसमेंट होती है एंटीबॉडी प्रोडक्शन की, C3b आपकी एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को एनहांस करती है। FNAC और बायोप्सी आपकी की इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं जो हम किसी भी ट्यूमर को डायग्नोज करते हैं।